अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम बांग्लादेश को दूसरे टेस्ट मैच में भी हराए तो वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चेन्नई के बाद अब कानपुर की बारी। शुरू हो रहा है दूसरा टेस्ट मैच। रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर चुन लिया पहले बल्लेबाजी और मैदान में उतरकर मचा दिया कोहराम। तो आखिरकार भारत के दो धुरंधरों यशस्वी जायसवाल और रोहित शर्मा ने मिलकर स्कोर को कैसे पहुंचा दिया 300 रन के पार। कौन सा बल्लेबाज आज पहुंचा है शतक के करीब, कौन सा खिलाड़ी कितने रन बनाकर खेल रहा है, ये सब कुछ हम आपको वीडियो में लाइव दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और बांग्लादेश में दूसरा टेस्ट मैच कौन सी टीम अपने नाम करेगी? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी तो जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज में कितने धमाकेदार तरीके से टीम इंडिया ने जीत का आगाज किया है, जिसका पहला मुकाबला चेन्नई के मैदान पर खेला गया और वहां पर भारतीय टीम ने बांग्लादेश को 280 रनों से हराकर पूरे क्रिकेट जगत में डंका बजा दिया, बल्कि बांग्लादेश को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज में 1-0 से लीड भी हासिल भारतीय टीम ने कर ली है, जिसके बाद अब यह कारवां चेन्नई के कानपुर जा पहुंचा है और वहां पर जल्द से जल्द दूसरे टेस्ट मैच का बिगुल बजने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, अब यह टेस्ट मैच और भी रोमांचक हो चुका है, क्योंकि दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने से पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तब नजमुल हुसैन शांटो, जो कि बांग्लादेश के कप्तान है, उन्होंने ये तक कह डाला कि भारत को इस बार टेस्ट सीरीज में हम जीतने नहीं देंगे। भारत ने भले अतीत में हमें कई बार हराया है, लेकिन इस बार भारत रोएगा और देखेगा कि आखिर बांग्लादेश उनके घर पर आकर उनको हरा कर गया। तो दोस्तों, ऐसे में टीम इंडिया इस चुनौती को काफी सीरियसली लेना चाहेगी और ये कोई गीदड़ भपकी नहीं थी, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान को उन्हीं की धरती पर टेस्ट सीरीज में रौंद कर आई थी, लेकिन भारतीय टीम ने पहले टेस्ट मैच में उनके घमंड को चूर चूर कर शर्मनाक हार का स्वाद चखाया। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच अगर आप भी ये दूसरा टेस्ट मैच लाइव अपनी टेलीविजन पर देखना चाहते हैं तो रिश्ते सिनेप्लेक्स के चैनल पर यह मुकाबला दिखाया जा रहा है। हिंदी में भी आप सभी देख पाएंगे और अगर आपको मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग देखनी है तो वो जियो सिनेमा ऐप पर दिखाई जा रही है, जहां आप सभी इस मुकाबले का आनंद उठा सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, यहां पर दोनों टीमों की यही कोशिश रहेगी कि किसी भी हाल में दूसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का मुकाबला अपने नाम किया जाए। लेकिन यहां पर कप्तान रोहित शर्मा बखूबी जानते हैं कि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनना सबसे अच्छा ग्रीन पार्क स्टेडियम पर रहेगा, क्योंकि पिच से पहले स्पिनरों को इतनी मदद मिलेगी नहीं और जैसे जैसे दिन ढलते चले जाएंगे यहाँ पर स्पिनर और भी ज्यादा घातक होते चले जाएंगे, जिसके चलते यहां अश्विन पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, अब अगर बात की जाए मैच के बारे में तो दोस्तों आपको हम बताते चले कि भारत की पहले प्लेइंग 11 टीम जो कि रोहित शर्मा ने उतारने का फैसला किया है, वो कई बड़े बदलाव उसमें कर दिए हैं। जहां भारत की तरफ से पहले मैच की तरह इस टेस्ट मैच में भी रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल पारी की शुरुआत कर सकते हैं, तो वहीं दोस्तों यशस्वी जायसवाल के बाद फिर मैदान पर शुभमन गिल खेलते हुए नजर आएंगे। उन्होंने पहले टेस्ट मैच में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया, हर किसी का दिल जीता। वहीं दोस्तों, नंबर 4 पर विराट कोहली खेलते हुए नजर आएंगे और विराट कोहली के प्रदर्शन पर भी हर किसी की निगाहें रहेंगी। तो वहीं फिर 5वें नंबर पर हम सभी को खेलते हुए ऋषभ पंत नजर आएंगे। ऋषभ पंत ने पहले टेस्ट मैच में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से हर किसी को चौंका दिया था, तो वहीं पर फिर दोस्तों केएल राहुल को एक और मौका दिया जा रहा है। तो टीम में रविंद्र जडेजा और अश्विन खेलते हुए दिखाई देंगे। इन दोनों ने पहले टेस्ट मैच में अपनी फिरकी से बांग्लादेश के बल्लेबाजों को घुटने पर ला दिया और शानदार जीत दिलाई थी। कुछ ऐसा ही प्रदर्शन दूसरे मुकाबले में भी हर कोई इन दोनों गेंदबाजों से उम्मीद करेगा, जो रोहित शर्मा के सबसे बड़े हथियार रहने वाले हैं। ऐसे में दोबारा से उनके कंधों पर अपनी धमाकेदार बैटिंग और बॉलिंग से बांग्लादेश को नागिन डांस करने की बड़ी जिम्मेदारी है। वहीं गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज टीम में रहने वाले हैं। साथ ही ये भी हो सकता है कि आकाशदीप को बाहर कर अक्षर पटेल टीम में आ जाए। तो ऐसे में दोस्तों, ये भारत की प्लेइंग 11 टीम जो कि हमें इस टेस्ट मैच में खेलती हुई नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, अगर बात की जाए बांग्लादेश की टीम के बारे में तो दोस्तों बांग्लादेश ने भी अपनी नई प्लेइंग 11 टीम जो घोषित की है उसमें जाकिर हसन, सादमान इस्लाम पारी की शुरुआत कर रहे हैं। तो वहीं दोस्तों, फिर उन्होंने मध्यम क्रम में मोमिनुल हक को रखा है, उन्होंने साथ साथ मुशफिकुर रहीम खेलते हुए उनके नजर आ रहे हैं। नजमुल हुसैन शांटो जो कि कप्तान है उनकी टीम को, वो भी इस बैटिंग डिपार्टमेंट में अहम हिस्सा है। तो वहीं शाकिब अल हसन और लिटन दास को मौका दिया गया, जिनके अनुभव से बांग्लादेश को सावधान रहना पड़ेगा। वहीं दोस्तों, गेंदबाजी में फिर मेहंदी हसन विराज, सौरीफुल इस्लाम, हसन महमूद और नाहिद राणा खेलते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, ये भारत और बांग्लादेश की प्लेइंग 11 टीम जो कि दूसरे टेस्ट मैच में आमने सामने भिड़ रही है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, दूसरे टेस्ट मैच में भारत की प्लेइंग 11 में कोई बदलाव किया जाना चाहिए या नहीं, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।